सांस तक लड़ेंगे पत्रकार हितों की लड़ाई, गिरीश चंद्र कुशवाहा। खबर गोंडा से आ रही है। संगठन के पत्रकार अपने को कमजोर न समझें, उनके हितों के लिए वह आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। ये बातें रविवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में आयोजित पेजा के मंडलीय सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा ने कही। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया तथा कहा कि संगठन में जिलाध्यक्षों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने पत्रकारों की समस्याओं पर कहा कि पत्रकार अपने को पहचानने उन्हें सम्मान अपने आप मिलेगा। उन्होंने कहा कि नियम कायदे सभी के लिए जरूरी है, यदि आप किसी जिम्मेदार पद पर हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि कम से कम उनके जिम्मेदार जनपद में पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। यदि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आया है तो उन्होंने गंभीरता से उसका निस्तारण किया है। इसके साथ अपर पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं व बच्चों समेत अन्य अपराधों के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए कानून को समझने के लिए उसके हिसाब से स्वस्थ पत्रकारिता करने हेतु पत्रकारों से कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना या दुर्घटना की जानकारी लेना पत्रकारों का अधिकार है तथा वह इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से बात करें। सम्मेलन में विभिन्न जनपदों से आए विभिन्न पत्रकारों ने अपने विचार। पवन में वो तलवार किसकी थी और रामदेव जो पहन के भागे वो सलवार। असली समस्या ये नहीं है, तालियां तो यहाँ है कि जिसकी पहन के भागे थे फिर वो कैसे भागा, क्योंकि दो पहन के तो कोई आया। चलिए भैया भैया की ऐसे समस्याओं से देश जूझ रहा, कई समस्याएं हैं। हम लोग अभी तक सरकार ने करोड़ रुपया खर्च करके अभी तक हम लोग आम जनमानस में ये नहीं समझा पाई है सरकार कि गीला कचरा नीले डिब्बे में डालना है कि हरे डिब्बे में डालना है। हमको सबसे बड़ी समस्या ये है कि तो आम जनमानस करे क्या, परेशान।